दोस्तों आज है 20 तारीख और टाइम यही हो रहा है 9:30 बजे के आसपास। और अभी आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ डीजे सर्जन की टीम, जो कि अंदर आप आराम कर रहे हैं, सभी लोग देख सकते हैं। ये हमारे हमशक्ल केडी भाई, ये मेरा जुड़वा है जुड़वा। वो हमारे मनोहर भाई जग चुके हैं, बहुत बहुत लंबी नींद ली है उन्होंने। सारे भाई साहब एकदम मस्त है देखो। और हाँ, भाई से मुलाकात जरूर करवाएंगे हम, भाई बहुत बढ़िया खाना बनाते हैं। और इनका आज कई दो मतलब कि सुबह भी और शाम को खाया था खाना। शादी का बुकिंग भी लेते हो क्या? तो भाई जो भी झारखंड से है, कहाँ से हो मतलब बेसिकली? चंदन क्यारी। जो भाई चंदन क्यारी से वीडियो देख रहे हो या झारखंड में कहीं से भी देख रहे हो, अगर शादी विवाह या अन्य किसी प्रोग्राम में खाना वगैरह बनवाना है, कैटरिंग का काम करवाना है, तो भाई से संपर्क करना। किस नाम से केटर्स है? राजवंशी केटर। राजवंशी केटर्स। तो भाई नंबर नहीं बताऊंगा, दिक्कत हो जाएगी। बाकी आप लोग वहां से कांटेक्ट कर लेना चंदन क्यारी में, राजवंशी केटर्स। भाई बहुत ज़बरदस्त खाना बनाते हैं, मज़ा आ जाता है खाते। बाकी हमारे आकाश भाई देखो, ये दाल मुड़ी खाते हुए, चूड़ा मिक्सचर, चूड़ा मिक्सचर। और हमारे तापस दादा वहाँ पर हैं। तो दोस्तों आज की अपडेट खास तौर पर ये देनी है कि अभी हमारे सर्जन भैया की जिस पे लोडिंग होनी है वो गाड़ी नहीं आई है। क्यों भाई? वो गाड़ी नहीं आई है। और रोड पे जितने भी बड़े सेटअप लगने हैं, जैसे कि कसाना डीजे, वो अपना 50% तैयार हो चुका है। रामा डीजे 30 बेस लगा चुका है। चौधरी डीजे 30 बेस लगा चुका है। बाबा डीजे थाना भवन 30 बेस लगा चुका है। और बहुत सारे डीजे मतलब जो 12 बेस 14 बेस के, उनकी गाड़ी रेडी हो चुकी है। और अभी बहुत सारा काम बाकी है। तो दोस्तों हम लोग की गाड़ी यहाँ पर खड़ी है सार्जन भैया की। सार्जन भैया के टीम के मेंबर वो दो लोग यहाँ पर हैं, और हमारे आकाश भाई यहाँ, तापस दादा यहाँ, बाकी भैया लोग वहाँ पर, केडी भाई वो वहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे। तो अभी हम लोग आगे जा रहे हैं, और अगर कुछ देखने लायक होगा इस ब्लॉग में तो ज़रूर दिखाएंगे। वरना फिर ये एक छोटी सी अपडेट थी आप लोग के लिए कि अभी टाइम लगेगा सार्जन भैया को सेटअप को रेडी होने के लिए, क्योंकि अभी बड़ी गाड़ी आई ही नहीं है जिस पर लोडिंग और अनलोडिंग का काम होना है। तो दोस्तों चलते हैं आगे और दिखाते हैं कुछ फिर से नया। सर्जन भैया के बगल में जस्ट अभी एक और सेटअप आया है, परी डीजे, जो कि ये नंद नगरी का है। आप लोग देख सकते हो, एक टाटा, दो टाटा और ये ट्रोला, इन लोग का आया है। अभी इन लोग का भी काम बाकी है, तो जस्ट अभी अभी आ रहे हैं ब्लॉग शूट करते टाइम ही। देखते हैं और यहाँ पर कितने डीजे आएंगे, तब तक ब्लॉग में बने रहिए। ये हमारा केडी भाई देखो, चलो किसको किसको गंगा नहाने जाना है, अपना पाप धोने के लिए गंगा में नहाने के लिए जाता हुआ भाई। मैंने कोई पाप नहीं किया हुआ है तो गंगा में नहा, गंगा में नहा। हाँ, ये बंदा बहुत गंदा काम किया, ये बंदा बहुत गंदा काम किया, इसलिए अब गंगा में जाके पाप धोने जा रहा है। और हमारे मनोहर राणा भाई उठ चुके हैं, परी डीजे बगल में आ चुका है। आप जानते होंगे क्या, परी डीजे को जानते हैं? परी डीजे को है नंद नगरी वाला, वो सामने खड़ा है परी डीजे, वो रहा दोस्त है। तो चलो हमारे मनोहर भाई अभी परी डीजे से मिलवाएंगे। भाई पहले फ्रेश हो लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप सो के उठ गए हो, हमें पता है कि आप थोड़ा सा थके हारे हो, बाकी कोई बात नहीं, चलता है, जैसा है सब कुछ ठीक है। तो परी डीजे बने रहो वीडियो में। ये तो कैंसिल हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्योंकि गाड़ी आई नहीं है और लोडिंग अनलोडिंग का काम रुका हुआ है। बाकी बहुत सारी गाड़ियां आ रही हैं जा रही हैं, वो हमारे सामने डीजे सानू व्लॉग। और भाई सब ऐसा ही है, इस व्लॉग वीडियो करते हैं पर एंड, जैसे ही गाड़ी आएगी आप लोग के साथ लाइव वीडियो और एक नई वीडियो आ जाएगी, तब तक बने रहिए चैनल पे।